लोगों ने महिला को अगवा कर किया बलात्कार। सड़क किनारे बेहोश पड़ी मिली महिला। बिजनौर के बाजार से लापता हुई थी महिला। पिता के साथ बहन के लिए रिश्ता देखने जा रही युवती की ट्रेन से कटकर मौत। धामपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। कोतवाली देहात इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। खूनी संघर्ष में एक की मौत, एक महिला भी घायल। अभी तक चैनल की खबर का असर। हल्द्वार में आयोजित 3 दिवसीय मेले में पहुंचे अधिकारी। मेले के पहले दिन किसी अधिकारी के न पहुंचने से सूना पड़ा रहा था मेला। अवैध वसूली और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ लामबंद हुए राशन डीलर। मामले को लेकर चांदपुर राशन डीलर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चांदपुर में विद्युत विभाग द्वारा आयोजित शिविर में बीपीएल धारकों को वितरित किए गए निशुल्क विद्युत कनेक्शन। रिमझिम बारिश के बीच रोटरी क्लब धामपुर रॉयल्स ने मनाया तीज महोत्सव। लवी अग्रवाल बनी तीज क्वीन। राजा के ताजपुर में धान के खेत में काम कर रहे युवक की जहरीले कीड़े के काटने से हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। नगीना पुलिस ने नकली नोटों के साथ हिस्ट्री शीटर सहित दो लोगों को किया गिरफ्तार। 50 और 100 के 24,000 रुपए से ज्यादा के नोट मिले। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग राज्य मंत्री अतुल गर्ग से मिले हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी डॉक्टर एनपी सिंह। फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर्स पर उनकी अनिवार्यता के विषय में की गई चर्चा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धामपुर में बूथ नंबर 74 पर किया पौधारोपण। अफजलगढ़ के एक ग्राम अनवरपुर चंडिका में घर में सोते रह गए परिजन। चोरों ने घर खंगाला, लाखों की चोरी को दिया अंजाम। अफजलगढ़ के एक ग्राम दहली वाला में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आकर किशोर गंभीर रूप से घायल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के मौके पर अफजलगढ़ के कासमपुर गढ़ी स्थित इंटर कॉलेज में भी किया गया पौधारोपण। कॉलेज प्रांगण में फलदार और छायादार वृक्षों के पौधे लगाए गए। किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धामपुर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अफजलगढ़ के ग्राम आलमपुर गांवड़ी में ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। नेहटौर के ग्राम महमूदपुर उर्फ बच्चा वाला के प्राथमिक विद्यालय में भिड़े दो शिक्षक। दलित शिक्षक की पिटाई से गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। धामपुर के सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र नितिन कुमार ने अखिल भारतीय छात्र निबंध प्रतियोगिता में तरुण वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय एवं जनपद का नाम किया रोशन। बिजनौर में बाइक सवार बदमाशों ने पीडब्ल्यूडी के बाबू को मारी गोली। गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया।